तो अभी गाइस चलते हैं नहाने के लिए, और नहाने में ये पैंट शर्ट्स, तो ये वाली पैंट ले लेता हूँ मैं। तो भी गाइस सारे नहाने वाले सामान ले लिया और चलते हैं नहाने के लिए। चलो चलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और ये कोयल की आवाज़ और फिर कौवे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली ये जो आम होने लगे ना मेरे वाले पेड़ में, ये देखो छोटे छोटे से आम है। अब धीरे धीरे देखो, ये आम दिखाने के चक्कर में एक आम गिर भी गया, मतलब छोटा छोटा जो टुकड़ा होता ना वो ही गिर गया। चल तो बस इन्हीं सब के चक्कर में कौवे लोग पड़े रहते हैं और खोदने वोदने के चक्कर में। तो बाकी गाइस अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। तो अभी गाइस तुम्हारा भाई मस्त नहा धो के चुका, रेडी? क्या लग रहा है, नहाया हूँ या नहीं नहाया हूँ? हमसे होगा पहुँचने में? हाथ में पकड़ते थे मोबाइल। अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ये बोरा आना चाहिए, ये वाला। हाँ। बोरा आ रहा है? हाँ। ये तो बहुत गंदगी इसमें तो नहीं। बोरा फटा तो नहीं है लेकिन लग तो रहा है चूहा खोद दिया है, मतलब चूहा हुआ काटा है अंदर से। ठीक तो है, नहीं ठीक है। There's no doubt, gotta get out of this small town. He took my heart from me. Nimbu aur tamatar aur humne नींबू, टमाटर और तरबूज लेके आना है। और फिलहाल ये है धनिया, और इसको कल पिसवाना भी है। धनिया पाउडर होगा इसका। बहुत दिनों से गाइस मैं पैदल नहीं गया, तो चलो आज पैदल चलते हैं लाने के लिए। वैसे बगल में तो है ही, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। और तरबूज और टमाटर। Let me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here. काम आ गया, चलो वो काम कर लेते हैं। वो काम में बस मुझे आटा लेके आ रहना है। एक्चुअली मैं कल दे के आया था, और नहीं कल नहीं सॉरी आज ही लेकर आया हूँ, मॉर्निंग में कोचिंग जाने से पहले, और अभी लेकर तो चलो लेकर आते हैं। तो गुड मॉर्निंग। और गाइज मेरे रात में ना सर में थोड़ा बहुत दर्द होने लग गया था, इसी के लिए मैंने रात को व्लॉग व्लॉग किया नहीं, फिर मैं सो गया। मैंने रात को व्लॉग भी नहीं सही से एंड किया था, मैं सो गया। मतलब जैसे तैसे एंड किया था, तो मैंने वो क्लिप आपको दिखाया नहीं, और मैं अभी जस्ट उठाऊँ। तो गाइज मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी कि मेरे 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक मेरा एडसेंस पिन नहीं आता है। मतलब लोग के 1 महीने 4 हफ्ते में या फिर 2 से 4 हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट मेरे 3 महीने नहीं हुए। 3 महीने हो चुके हैं और मैंने 3 बार रीअप्लाई भी कर दिया, बस एक चांस बचा हुआ है, उसके बाद तो फिर ईमेल पे ही आएगा। तो बस थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर ना, मैं पता है बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बिकॉज मैं बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, अगर मेरा एडसेंस पिन आएगा तो क्या करूँगा ये वो। मतलब जो होते हैं ना एक नॉर्मल यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर्स के मन में, तो हाँ वही सब मैंने भी सोच रखा है। बाकी यही तो है मेरे मन में, और बस यही प्रे है ऊपर वाले से कि जल्दी से भेज दो भाई एडसेंस पिन। तो चलो गाइस आज के इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मतलब मैं आटा वाटा लाने गया था, फिर सब्जी वगैरह लाने गया था, और यहाँ पर ना गाइस भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा होता है, इसी के लिए बहुत ज़्यादा नॉइज आता है, इसके लिए सॉरी। और मतलब मैं अगर मेरी पेमेंट वगैरह आएगी तो मैं सबसे पहले माइक वगैरह लूँगा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो नॉइज़ नहीं रिकॉर्ड करेगा फिर तो ठीक रहेगा। तो गाइज़ आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure.